समाजवादी पार्टी ने सिविल अटैचमेंट बिल का विरोध करते हुए सुभाष चौराहे पर धरना दिया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ महिला नेत्री सबिहा मोहानी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं ने काली पट्टी बांधकर सिविल अटैचमेंट बिल को किसी भी कीमत पर लागू न करने की चेतावनी दी। धरना में समाजवादी पार्टी जिला व महानगर के वरिष्ठ नेतागण पदाधिकारियों ने इसे हिंदू और मुस्लिमों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश बताया। सबिहा मोहानी ने नेतृत्व में सुभाष चौराहे पर जुटे समाज सेवियों ने बाहों पर काली पट्टी बांधकर काले कानून को वापस लेने की मांग की। हाथों में हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदुस्तान जिंदाबाद सहित सिविल अटैचमेंट बिल के खिलाफ लिखे प्ले बोर्ड लेकर प्रदर्शन किया। धरना में उपरांत विरोध स्वरूप सिविल अटैचमेंट बिल गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे वाले पोस्टर प्रति भी जलाई गई। निवर्तमान महानगर अध्यक्ष सैफ इफ्तिखार हुसैन, सतवीर मन्ना, मंजू पाठक, नेहा यादव, इंदु यादव, निशा शुक्ला, मीनू खत्री, मालती यादव, महबूब उस्मानी, दान बहादुर मधु अस्करी, रविंद्र यादव, कमल सिंह, डॉक्टर नरभेश पटेल, डॉक्टर मान सिंह, वजीर खान, शुएब खान, इसराल अंजम, अब्बास नकवी, नंदकऊ यादव, संदीप यादव, उदेश यादव, आशीष पाल, राकेश शानू हाशमी और जैदी अंजुमन संतलाल वर्मा सहित सैकड़ों सपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टी इलाहाबाद द्वारा कैब का हम लोग विरोध करते हैं। नागरिकता संशोधन बिल जो केंद्र सरकार लाना चाह रही है, ये एक तरीके से पूरे देश को बांटने का षड्यंत्र है। कैब और एनआरसी के माध्यम से धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। एक विशेष संप्रदाय के लोगों को इससे बाहर रखा जा रहा है। बहुत से पूर्वोत्तर राज्य के लोग जो बाहर बिजनेस व्यवसाय करने गए हैं, उनको एनआरसी के नाम पर उनका उत्पीड़न होगा, पुलिस के लोग उनको उत्पीड़न करेंगे। और ये कैब पूरे देश में काला कानून है। हमारे देश का संविधान एक है, लेकिन इसको बांटा जा रहा है। मोदी और अमित शाह मिलकर हमारे पूरे देश को बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इसके विरोध में आज हमारी पार्टी की महिला बहनें और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं। हम पुरजोर कैब का विरोध करते हैं। जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग इसी तरह केंद्र सरकार का विरोध करते रहेंगे। रविंद्र यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष, समाजवादी।